दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टेडी प्राइम सॉफ्टवेयर की कितने टाइप के वर्जन हम यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसे ही हम टेडी प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास में एक वर्जन ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाता है जिसको हम कह देते हैं टेडी प्राइम का एजुकेशनल वर्जन। अब उसके बाद हम वर्जन की बात करें सेकेंड और थर्ड की, तो उसके बाद बात आएगी सिल्वर वर्जन की और थर्ड की अगर बात करें तो गोल्ड वर्जन की। तो आखिरकार इन तीनों वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस है और जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो एक अकाउंटेंट के मन में रहता है या फिर जो भी कोई अकाउंटेंट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखना चाहता है भी, क्या हम एजुकेशनल वर्जन के अंदर भी अकाउंटिंग सीख सकते हैं क्या, तो सारी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके के साथ देने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि हम एजुकेशनल वर्जन के अंदर किस टाइप का अकाउंटिंग कर सकते हैं, सिल्वर के अंदर क्या होता है और गोल्ड वर्जन के अंदर क्या होता है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किस प्रकार से करते हैं। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखना चाहते हो अपने घर पे सिस्टम पे लैपटॉप पे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके जो टेली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट है tellysolution.com उस पर आपको विजिट करना है। तो जैसे हम उस पर विजिट करेंगे तो ये होम पेज हमारे सामने आएगा, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट टाइम के अंदर ही, और यहाँ पर ये टेली प्राइम का रिलीज जो कि समय समय पर चेंज होते रहते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक सेटअप है जो डाउनलोड हो जाएगा और उसको बाद अपने सिस्टम के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। तो जैसे हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जब हम पहली बार टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ओपन करेंगे इसका डैशबोर्ड, तो ये हमारा एजुकेशनल वर्जन के साथ यहाँ पर आएगा, यानी कि ये आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है ये आपको दिखाएगा एजुकेशनल मोड। तो अब आखिरकार एजुकेशनल मोड है क्या? तो दोस्तों एजुकेशनल मोड हम इसको एक तरीके कह सकते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन है। हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब अपने यूजर को इसका यूज करने के लिए एक डेमो अवेलेबल कराता है जिसमें टेली सॉफ्टवेयर ने अपना एजुकेशनल नाम लिख दिया, कई सॉफ्टवेयर के अंदर ये डेमो मोड भी लिखा आता है। तो अब बात आती है, काफी लोगों के सस्पेंस होता है कि एजुकेशनल मोड के अंदर हम उतनी वर्क नहीं कर सकते जितना हम एक लाइसेंस वर्जन के अंदर वर्किंग कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एजुकेशनल वर्जन के अंदर उतना ही काम कर सकते हो जितना हम एक पेड यानी कि सिल्वर या फिर गोल्ड वर्जन के अंदर यूज कर सकते हैं, बट आपको एजुकेशनल मोड के अंदर सिर्फ एक आपको प्रॉब्लम आएगी, वो रहेगी इसका डिसएडवांटेज है जो डेट का, यानी कि आप जो आपकी जरूरत डेट है वो डेट आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो भी आप वाउचर मतलब एंट्री करोगे तो उस वाउचर के अंदर आपको हर मंथ की एक तारीख और दो तारीख या जिस मंथ के एंड में 31 तारीख आती है वो तारीख आप यूज कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ 1 दिसंबर, तो आप देख सकते हो 1 दिसंबर की एंट्री मैं इजीली पास कर रहा हूँ। अगर हम बात करें भी 2 दिसंबर की, तो 2 दिसंबर के अंदर भी मैं एंट्री कर रहा हूँ। अगर मैं करूँ 3 तारीख की एंट्री 3 बारह की, तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखोगे यहाँ पे वाउचर डेट से आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ हटा के 31 बारह, यानी कि इस मैं दिसंबर महीने की 31 तारीख भी आती है, तो 31 बारह की अगर डेट की एंट्री पास करूंगा तो ये 31 तारीख की एंट्री को भी पास करेगा, 30 तारीख को नहीं करेगा, 1 और 2 और जिस मंथ के एंड में 31 तारीख है। तो आप अकाउंटिंग मतलब जो आपकी प्रक्रिया है वाउचर एंट्री पास करने की वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप लाइसेंस वर्जन यूज करो चाहे आप एजुकेशनल मोड वर्जन करो, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है। न आपकी अकाउंटिंग में डिफरेंस आएगा न आपकी कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग में फर्क आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है भी आप एजुकेशनल मोड में यूज करोगे तो कुछ ऐसे अगर आप टीडीएल अगर आप यूज कर रहे हो तो जो टीडीएल होते हैं कुछ टीडीएल ऐसे होते हैं जो आप एजुकेशनल मोड के ऊपर भी उनको रन कर सकते हो, लेकिन कुछ टीडीएल ऐसे होते हैं जिसको आप लाइसेंस वर्जन के ऊपर ही यूज कर सकते हो, आप उनको एजुकेशनल मोड के अंदर रन नहीं कर सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज रहता है डेमो के लिए। तो लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो घर पर सीखना चाहते हो तो आप एजुकेशनल मोड को इजिली डाउनलोड करके उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो 1 और 2 और हर मंथ की 31 तारीख को। तो अब हम बात करते हैं सिल्वर वर्जन और गोल्ड वर्जन में फिर क्या डिफरेंस होता है, यानी कि एजुकेशनल मोड इसको हर कोई यूज कर सकता है। अब बात आएगी सिल्वर के लिए, तो जैसे हम टेली प्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे टेली सॉल्यूशन पे, अगर हम बात करेंगे प्राइसिंग की,
तो जैसे हम प्राइसिंग पे जाएंगे तो हमारे सामने ये चार ऑप्शन आएंगे, सबसे पहला सिल्वर रेंटल का, सिल्वर, गोल्ड रेंटल और गोल्ड का। तो अब सिल्वर का क्या होगा, अब सिल्वर यानी कि ऐसा आपको एक लाइसेंस यूज करने को मिलेगा जो एक सिंगल पीसे के ऊपर आप इसको यूज करोगे, यानी कि आप सिंगल इसका यूजर होगे, जिसका प्राइस आप यहां पर देख सकते हो, ये आपका रहेगा, ये जो आप यहां पे इसका जो रेट देख रहे हो आपको ये वन टाइम आपको पे करना है, और उसके बाद में इसका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो आपको हर ईयरली के ऊपर पेड करना पड़ेगा, यानी कि 18,000 प्लस 18% का इसका जीएसटी आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आप सिल्वर मंथ को साल के लिए नहीं यूज करना चाहते हो, आप इसको मंथली भी यूज कर सकते हो, यानी कि रेंटल पे किराए के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर किराए की बात करें तो मंथ वाइज इसका रेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एक मंथ के लिए, तीन मंथ के लिए या फिर 12 मंथ के लिए। तो जैसे हम इसको यूज करेंगे इसका रेट ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड वर्जन की। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था सिंगल यूजर, यानी कि सिल्वर का जो वर्जन है वो केवल सिंगल यूजर के लिए है। अगर हम गोल्ड वर्जन की बात करें तो गोल्ड यूजर आपका अनलिमिटेड यानी कि मल्टी यूजर एडिशन के अंदर आप काम कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर आपके काफी सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में या फिर जो टैक्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोग होते हैं उनके ऑफिस के अंदर 10 से 12 पीसी ऑलरेडी लगे होते हैं, तो उनको हर सॉफ्टवेयर के अंदर टेली सॉफ्टवेयर जो यूज करना होता है। अगर वो सिंगल सिंगल पीसी के अंदर अगर वो सिल्वर वर्जन यूज करेंगे तो काफी कॉस्टली उनको रहेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसको मल्टी यूजर कर लें जो चलेगा आपका लेन पे। लेन का मतलब आपका मेन सर्वर होना चाहिए, उसी सर्वर से सारे पीसी आगे जो कनेक्ट होना चाहिए। तो जो आपका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर गोल्ड का जो वर्जन है वो आपका मेन सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी आपके जो भी उस सर्वर से पीसी आपके कनेक्ट रहेंगे उसके ऊपर भी ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो पूरा वर्किंग करेगा। तो ये रहा, आप इसको गोल्ड को भी आप इसके ऊपर रेंटल के ऊपर यूज कर सकते हो। आप फर्स्ट मंथ का रेंट देख सकते हो 1800 रुपये प्लस 18% जीएसटी अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं भी अगर आपके पास एजुकेशनल मोड है, अगर आप इसको खरीद के और आप इसको लाइसेंस वर्जन बनाना चाहते हो सिंगल सिल्वर या फिर गोल्ड, तो आपके सामने यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार यहाँ दिखाएगा एजुकेशनल मोड, ठीक है। अब हमें इसको एक्टिवेट करना होगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव और रिएक्टिव। अगर आप पहली बार यूज करोगे तो एक्टिव करना पड़ेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी सीरियल की नंबर है तो आप इसको रिएक्टिव करोगे। तो रिएक्टिव करने के लिए आपके पास सिस्टम है जो एक बार ये रिस्टार्ट हो जाएगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आपसे जो आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहां पे मेरा पासवर्ड देता हूं, तो जैसे पासवर्ड देने के बाद के अंदर एंटर प्रेस करेंगे और आपका टेली सॉफ्टवेयर है एक बार वापस फिर है जो रिस्टार्ट हो जाएगा। और इसे हम रिएक्टिव पे जाएंगे, वापस यहाँ पे एक बार आपकी ईमेल आईडी वापस आपको टाइप करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको करोगे तो आपके पास ये कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा। और अभी आप हमने जो देखा था यहाँ पर एजुकेशनल मोड था, अब यहाँ पर हमारे पास में सिल्वर वर्जन आ चुका है, यानी कि अब हम अगर इस कंपनी टेली सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे तो हम हर डेट के अंदर इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एजुकेशनल मोड के अंदर अकाउंटिंग वर्क सीख नहीं सकते, बिल्कुल सीख सकोगे, बट आपकी कंडीशन ये रहेगी आप उसके अंदर डेट चेंज नहीं करोगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी।